राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री को 1 करोड़ रुपए का चंदा देने वाले टाट वाले बाबा की कुटिया तोड़ने के मामले में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल भी आगे आ गया है। टाट वाले बाबा की शिष्य स्वामी शंकर दास ने लक्ष्मण झूला थाने में कुटिया तोड़ने वाले गोहरी रेंज के रेंजर मदन सिंह रावत के खिलाफ तहरीर दी है। बजरंग दल के विभाग संयोजक ने कहा कि वन विभाग के कर्मचारियों ने जूते चप्पल पहनकर मंदिर को तोड़ा है, साथ ही टाट वाले बाबा से मंदिर में दान पत्र लगाने के साथ उन्हें पैसे देने के लिए कहा है। अगर शीघ्र ही रेंजर मदन सिंह रावत को नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मदन सिंह रावत ये पूरा टीम 30-35 लोगों का टीम लेकर के अचानक मैं भी नहीं था वहाँ पर, हमारे साधक लोग थे और वो भोजन बना रहे थे, उनका भोजन भी इन्होंने उठा उठा के इसको तोड़ना हटा यहाँ से भगवा यहाँ से ऐसा करके उनको अलग निकाल करके बस सब्बल लेकर तोड़ना शुरू कर दिया। सारा टीम कुछ भी नहीं छोड़ा, पीछे गुफा है, गुफा के अंदर हमारे गुरु जी की समाधि है। विभाग संयोजक बजरंग दल हरिद्वार, हमें मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया मामला टाट वाले बाबा जी जिन्होंने विगत वर्ष राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए की समर्पण राशि दी थी, उनका जो वन विभाग रेंजर मदन सिंह रावत जी द्वारा उनकी टीम द्वारा जो उनके कुटिया को तोड़ा गया है, गुफा भूतनाथ गुफा पे क्षति पहुंचाई गई मंदिर को, तो हमारा ये कहना है कि वन विभाग के जो रेंजर साहब है या उनके जो कर्मचारीगण है मंदिर में जा सके, जूते चप्पल बाहर उतार के जा सकते थे, जूते चप्पलों को तोड़ा, इसके पूरे प्रमाण है हमारे पास कि जूते चप्पलों से मंदिर को तोड़ा गया है, बाबा जी के साथ उनके शिष्यों की अभद्रता की गई है, उन्हें अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, उन्हें बार बार ये कहा गया कि आप हमें पैसे दीजिए, आप यहाँ से पैसे कमाते हैं, दान पेटी लगाइए, दान पेटी में जो पैसे आते हैं उनको हमें दीजिए, मतलब इस तरह से बार बार जब उनको कहा गया टॉर्चर, जब उन्हें शायद वो चीज़ नहीं मिली है तब जाके जो इतने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं वन विभाग के पास, उन्हें छोड़ते हुए सिर्फ टाट वाले बाबा जी के ही ऊपर इन्होंने कार्रवाई की।